भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। एम्स के विस्तार, मेडिकल कॉलेजों में वृद्धि और टीकाकरण अभियानों सहित कई महत्वपूर्ण पहलों ने इस प्रगति में योगदान दिया है। देश में कैंसर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स और 20 टर्शियरी केयर कैंसर सेंटर्स भी स्वीकृत किए गए। ऐसे में टाटा मेमोरियल सेंटर, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है, देश भर में स्थित अपने विभिन्न केंद्रों के माध्यम से कैंसर के आधुनिकतम इलाज को सुलभ बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ओडिशा के खुर्दा जिले के जटनी में 200 बेड वाला होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। 650 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली इस परियोजना में 400 करोड़ रुपए का योगदान परमाणु ऊर्जा विभाग तथा 250 करोड़ रुपए का योगदान टाटा ट्रस्ट कर रहा है। ओडिशा सरकार इस परियोजना में कई तरह से योगदान दे रही है, जिसमें परियोजना के लिए 42 एकड़ भूमि शामिल है। मुंबई, महाराष्ट्र में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का प्लैटिनम जुबली ब्लॉक स्थापित किया जा रहा है। 938 करोड़ रुपए की लागत वाली इस सुविधा में 880 करोड़ रुपए बिल्डिंग के निर्माण में तथा 58 करोड़ रुपए सामान्य उपकरणों के लिए लगाए जाएंगे। सीएसआर के तहत अतिरिक्त 390 करोड़ रुपए सुपर स्पेशलिटी उपकरणों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। 557 करोड़ रुपए की लागत से बना 100 बेड का यह अस्पताल कैंसर के निदान और उपचार के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। टीएमसी के नवी मुंबई स्थित एक्ट्रैक परिसर में 38 करोड़ रुपए की लागत से बना 270 बेड का कैंसर अस्पताल देश का पहला एकीकृत केंद्र है, जो महिलाओं और बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए समर्पित है। 3 गैंट्रियों को एक साथ संचालित करने वाली देश की पहली नेशनल हेड्रॉन बीम थेरेपी फैसिलिटी एक्ट्रैक नवी मुंबई में स्थित है। 468 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये एक अत्याधुनिक प्रोटॉन थेरेपी इकाई है। भारत की सबसे बड़ी नाभिकीय चिकित्सा सुविधा रेडियोलॉजिकल रिसर्च यूनिट 93 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये यूनिट विभिन्न प्रकार के कैंसरों के उपचार के लिए सेवाएं प्रदान करती है। परमाणु ऊर्जा विभाग, प्राचीन भारतीय उक्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया का संकल्प धारण किए प्रगति पथ पर अग्रसर है।